वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। और लोग जाएंगे पता नहीं कब जन्नत में, सिद्दीक तो अभी भी जन्नत में सो रहे हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर कादरी कहते हैं ना, अल जिलानी, बड़े मजे में कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जिक्र आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है। वो पहलू में सुलाए हुए हैं। पहलू में कौन सुलाता है? ममता सुलाती है पहलू में। और मेरे लाल सो जाना। और जब मां पहलू में सुलाती है तो कितनी थपकियां देती है, कितना ख्याल करती है। और जब सोने वाला सो जाता है तो नींद से बेदार मां फिर कभी चेहरे पे हाथ भी फेरती है, फिर कभी चेहरे पे हाथ भी फेरती है, बदन पे हाथ भी फेरती है। मेरा ईमान है, पहलू में सुलाए हुए हैं। कभी सिद्दीक के सर पे हाथ है, कभी उमर के सर पे हाथ है। एक मरतबा महज चश्मे तसव्वुर से मैं हुजूर के जब रोजे पर गया तो चश्मे तसव्वुर से मैंने सोचा कि पहले हुजूर का मजार है, फिर सिद्दीक का मजार है, फिर उमर इब्ने खत्ताब का मजार है। ऐसे भी तो हो सकता था कि हजरत उमर का होता फिर सिद्दीक का होता, या फिर ऐसे भी हो सकता था इधर सिद्दीक का होता उधर उमर का होता, क्या मसला था? लेकिन किस तरह, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, हकीकत है। और वहां सिद्दीक का चेहरा है जहां हुजूर का सीना है, सीने मुबारक है, और जहां सिद्दीक का सीना है वहां उमर का चेहरा है रजी अल्लाह तआला। मैंने सोचा ये तरतीब क्यों, तो मेरे दिल में एक बात याद आई, अल्लाह ने सिद्दीक के जज्बे का ख्याल फरमाया। वो कैसे? आका ने सहाबा से पूछा था तुम में से किसको क्या क्या पसंद है। सरकार ने सहाबा से पूछा था तुम में से किसको क्या क्या पसंद है, और सिद्दीक अकबर ने तीन बातें कही थी, हुजूर मुझे तीन बातें बहुत पसंद है, उसमें से एक कही थी अन्नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका नजरें मेरी हो और चेहरा आपका हो। कुदरत को ये अदाए सिद्दीक दिल से निकली, इतनी पसंद आ गई। अबू बकर, ओ अबू बकर, अबू बकर तुझे मेरे महबूब का चेहरा देखना इतना पसंद है, कयामत तक महबूब की कब्र के पीछे तुझे सुला देता हूँ, जी भर के कयामत तक देखता ही रहे, कयामत तक। इसका मतलब आज भी सिद्दीक क्या देख रहे हैं? चेहरे रसूल देख रहे हैं। बताएं इससे बड़ी जन्नत और क्या हो सकती है, इससे बड़ी जन्नत और क्या हो सकती है। बात दूर होती है, तवील होती है। अर्ज कर रहा हूँ सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर आ गए, सिद्दीक ने अपने जानू बिछा लिए, सरकार सिद्दीक अकबर की गोद में सो गए। बहुत बजाई थकन का एहसास था। वो गार अब जाएंगे ना, अल्लाह आपको दिखाए गारे सौर, उसमें एक आदमी बैठा हो तो दूसरा आदमी लेट सकता है, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। सरकार लेट गए और फिर वो वाक्य आप सुन चुके हैं। सांप ने डसा, सांप ने डसा, सिद्दीक की आंखों से आंसू निकले, सिद्दीक अकबर रोए, आंसू हुजूर के चेहरे पे पड़े। सरकार ने पूछा क्या हुआ? अस की सांप ने डस लिया। सरकार ने लुआब लगा दिया। तीन दिन तक हजरत आमिर इब्ने फुहैरा रदी अल्लाह तआला आते रहे और हुजूर को ताजा दूध दिए, सिद्दीक के गुलाम से पेश करते रहे। हजरत अस्मा रोजाना आती कुर्बान जाए रात के वक्त। ये हुजूर सिद्दीक अकबर की बेटी है, हजरत अस्मा रात को आती। सिद्दीक तो एक रात हुजूर को लेके चढ़े, तीनों रात आती खाना लेकर हुजूर को पहुंचाती। यानी आले अबू बकर की कितनी कुर्बानियां दीन के लिए। आजकल लोग कुछ भी बातें करते हैं। बहरहाल फिर तीन दिन के बाद सरकार उतरे, उतरने के बाद निकले। अब निकले ना तो हुजूर ने तवज्जो इत्तेहादी अबू बकर पे ऐसी डाल दी थी कि सिद्दीक अकबर का चेहरा हुजूर अलैहि सलाम व तस्लीम के जलवों में डूबा हुआ था। हुजूर के मुशाबे तो नहीं हो गया था लेकिन जलवों में डूबा हुआ था। उसको तमसील के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, मिनाने के लिए नहीं। जब लोहे का टुकड़ा आप आग में डाल देते हैं तो निकालने के बाद कुछ घंटों तक वो आग की तरह दिखता है, आग नहीं बन जाता, आग की तरह दिखता है। बिला तमसील गार के अंदर हुजूर के जलवों में सिद्दीक ऐसे गुम थे कि बाहर निकले तो सिद्दीक अकबर का चेहरा हुजूर के जलवों में गुम होकर उस तर्ज पर रोशनी बिखेर रहा था। फिर ये चले, ऊंटनी आ गई, चलते रहे। रास्ते में कोई मिला, पूछा कौन है ये?
ये कौन है? और सिद्दीक अकबर ने कहा ये मेरे रहबर है, रहनुमा है। तो वो समझा कि रास्ता दिखाने के लिए सफर करते हैं। अल मुख्तसर ये 8 दिन का सफर हुजूर ने किया। घर से निकले थे जुमेरात के दिन, जुमेरात जुमा शनिचर इतवार, यानी जुमेरात को रात में निकले तो जुमेरात तो गुजर गई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दे।